तो हम आ जाएं सित्रो के शोरूम पे और मेरे पीछे खड़ी है बसाल्ट प्लस टर्बो ऑटोमेटिक। इस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत आपको 14.79 लाख रुपीज़ दिल्ली में मिल जाएगी और एक्स शोरूम कीमत इसकी है 12.79 लाख रुपीज़। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सिटी में इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वेरिएंट को एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रंट में सित्रो का लोगो आप देख सकते हैं और ये रेक्टेंगुलर शेप में ब्लैक कलर में इसकी फ्रंट ग्रिल मिल जाती है। हैलोजन में आपको फोग लैंप दिए गए हैं और यहाँ हमें प्रोजेक्टर में LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं अलोंग विद DRLs। यहाँ पे कुछ क्रोम इंसर्ट दिया गया है विद पियानो ब्लैक फिनिश और कुछ ऐसी लगती है फ्रंट से ये कार। काफ़ी बोल्ड लुक है इसके। चलिए अब साइड प्रोफाइल इसकी चेक करते हैं। टायर साइज इसका चेक कर लेते हैं। 205/60 R16, सो 16 इंच के टायर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश में इसका ORVM मिल जाता है विद टर्न इंडिकेटर्स और ये फ्लैप टाइप हैंडल्स इसमें दिए गए हैं। ए पिलर बी पिलर दोनों ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं। रियर प्रोफाइल पे आ जाते हैं कार की तो कुछ ऐसी लगती है रियर से ये कार। टेल लैम्प का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में डिज़ाइन दिया गया है। बसाल्ट की बैजिंग मिल जाती है। नीचे दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और ब्लैक और सिल्वर फिनिश में आपको स्किड प्लेट का डिज़ाइन मिल जाता है। सित्रो की बैजिंग मिड में आप देख सकते हैं और कुछ ऐसी लगती है बैक से इसकी प्रोफाइल। चलिए इसका बूट चेक कर लेते हैं। तो मैनुअल बूट ओपनिंग आपको इसमें मिल जाएगी और यहाँ पे ये दो लैंप दिए गए हैं नंबर प्लेट के लिए। पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है इस वेरिएंट में। अंदर कोई लैंप नहीं दिया गया है विच इज़ अ बिट सैड, तो रात में थोड़ा इश्यू आपको हो सकता है। और 470 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है इसमें, जो कि बहुत बढ़िया है आई थिंक इस प्राइस रेंज में। सीट को 60-40 स्प्लिट नहीं दिया गया है तो आपको पूरी सीट ही फोल्ड करनी पड़ेगी अगर आपको एक्स्ट्रा सामान रखना है इसमें। चलिए स्पेयर व्हील इसका चेक कर लेते हैं। अब स्टील रिम व्हील मिल जाता है आपको एज स्पेयर व्हील और इसका साइज़ है 185/65 R15, सो एक साइज़ छोटा आपको टायर मिलता है यहाँ पे। चलिए करते हैं बूट को बंद। इसका बूट डोर जो है वो काफ़ी हैवी बनाया गया है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे आपको रियर डिफोगर मिल जाता है। वाइपर या वॉशर इसमें नहीं दिया गया है बट जो कार की शेप है आपको वाइपर या वॉशर की यहाँ पे नीड नहीं पड़ने वाली। ऊपर एक नॉर्मल एंटीना मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। चलिए चलते हैं कार के आगे और इसका इंटीरियर चेक करते हैं। डोर ओपन करने पर वार्निंग आती है इसमें। ड्यूअल शेड में आपको इंटीरियर मिल जाता है ब्लैक एंड बेज कलर में। चारों पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, कोइन या फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, उसके अलावा भी थोड़ा स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है। 6-way एडजस्टेबल यहाँ पे सीट्स मिल जाती है बट मैनुअल एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको इसमें नहीं मिलती है। और जो सीट कवर लगे हुए हैं ये एक्सेसरी का पार्ट है, ये वैसे इस वेरियंट में नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको AC का वेंट मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में विद सम क्रोम इंसर्ट्स और यहाँ पे आइडल स्टार्ट का बटन मिल जाता है। तो RVM को एडजस्ट करने के लिए बटन भी यहीं पे दिया हुआ है, वो डोर पे नहीं दिया गया। और यहाँ पे हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे लीवर दिया गया है और फ्यूल लिड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक वेरियंट है तो देख सकते हैं आपको क्लच यहाँ पे नहीं मिलती है बट एक डेड पेडल यहाँ पे ज़रूर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कुछ ऐसी की मिल जाती है आपको इस वेरिएंट में, एक डिजिटल की और एक नॉर्मल की दी गई है। लॉक अनलॉक का फंक्शन आपको मिल जाता है। तो डी कट में यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और ये जो लेदर रैपिंग है ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसमें टोटली डिजिटल दिया गया है विद सम वार्निंग लाइट्स। और डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी भी। यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए और ये 3-spoke डिज़ाइन दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं और दूसरी साइड
हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट अब चेक कर लेते हैं। आपको टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाती है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। मैनुअल IRVA मिल जाता है, डे नाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे एक आई थिंक हेलोजन में लैम्प दिया गया है। उसके अलावा बाकी कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको। ड्राइवर साइड भी चेक कर लेते हैं। यहाँ ड्राइवर साइड कोई वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे दी गई है 10.25 इंच की बेहतरीन टच स्क्रीन डिस्प्ले, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले जैसे सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। टच रिस्पॉन्स इसका चेक कर लेते हैं। टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा है और डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है। इसके नीचे यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में अगेन AC वेंट्स मिल जाते हैं, और ऑटो AC यूनिट यहाँ पे दी गई है। जस्ट अ मिनट, लेट मी फोकस। यहाँ पे आपको ऑटो AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे कुछ सिल्वर और पियानो ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए हैं। फील काफ़ी प्रीमियम होती है। यहाँ पे आपको एक USB टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, हजार्ड लाइट का स्विच और एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस है, आप फ़ोन वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, और इसके नीचे भी यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। दो कप होल्डर मिल जाते हैं, और कुछ ऐसा गियर लीवर आपको मिल जाता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, और मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक या ऑटो होल्ड का फीचर यहाँ पे नहीं दिया गया है। आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसको आप स्लाइड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आई थिंक इसके नीचे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। फ्रंट में दोनों ही सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और सीट्स की क्वालिटी और कंफर्ट काफ़ी डिसेंट है। ग्लव बॉक्स इसका चेक कर लेते हैं। ये देखने में छोटा लगता है, बट अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस ग्लव बॉक्स में। ऑल्दो कोई लाइट वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है, और शायद कूलिंग का फंक्शन भी नहीं दिया गया है, बट काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है इसमें। तो ये हुई फ्रंट की बात। अब मैं फ्रंट सीट को एडजस्ट करने वाला हूँ अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि बैक सीट का कंफर्ट कैसा रहता है। सबसे पहले रियर डोर इसका चेक कर लेते हैं एक बार। अगेन ड्यूअल शेड फिनिश में यहाँ पे दिया गया है, ब्लैक एंड बेज। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश, विंडो के कंट्रोल और पियानो ब्लैक फिनिश में ही डोर ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए लीवर मिल जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ अगेन बोतल होल्डर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। और ये है बैक का लुक। लेदरेड सीट्स एक्सेसरी का पार्ट है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। रियर सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं दो पैसेंजर के लिए। मिड में कोई हेडरेस्ट नहीं दिया गया है, बट मिड में आर्मरेस्ट ज़रूर अवेलेबल है विद टू कप होल्डर्स, और यहाँ पे फ़ोन या टैबलेट में भी आप रख पाएंगे। 3 सीट बेल्ट तीनों ही पैसेंजर के लिए अवेलेबल है। तो रियर सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी बढ़िया है कार का, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ही अमेजिंग नी रूम और लेग रूम यहाँ पे अवेलेबल है। मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेच होके कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। रूफ थोड़ी स्लोपिंग है तो हेडरेस्ट में भी थोड़ा कम हो सकता है। अगर हाइट किसी की थोड़ी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा हेडरूम यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ मिड में AC वेंट्स मिल जाते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, और उसके नीचे दो USB टाइप ए पोर्ट्स मिल जाते हैं। USB टाइप सी पोर्ट इसमें नहीं दिया गया है, और जो ये AC वाला सेक्शन है ये थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग है, ये बाहर आया हुआ है, तो जो मिड में बैठेगा उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है इसमें रियर सीट में। फ्रंट में भी यहाँ पे सीट्स में पॉकेट दी गई है, तो आप पेपर वर्क वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। ऊपर की तरफ कैबिन लैंप मिल जाता है अगेन हैलोजन में, और ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं दोनों ही तरफ। कुछ ऐसा आता है डैशबोर्ड का व्यू फ्रॉम द रियर सीट ऑफ द कार, काफ़ी प्रीमियम लगता है डैशबोर्ड। इस कार में आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, और रिसेंटली भारत NCAP ने इसको टेस्ट किया है। इस कार को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिले हैं फॉर अडल्ट एंड चाइल्ड पैसेंजर, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और अगर उस हिसाब से आप देखेंगे जिस प्राइस रेंज पे ये शुरू होती है, आई थिंक इसके आसपास और कोई कार अवेलेबल नहीं है।
विद दीज फीचर्स एंड दिस सेफ्टी रेटिंग। अगर आप चाहते हैं अपनी कार को हमारे चैनल पर फीचर करना तो दी गई मेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट दैट लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।